हेलो जी हेमलाल जी। हाँ सर, हाँ सर, मैं आपके बारे में ये बोलना चाहता हूँ सर। मैंने तो बहुत सारे एडवांस क्लासेस भी किए, ऑप्शन के क्लासेस भी किए, अच्छा। लेकिन इतना बड़ा ऐसा क्राउड होने के बावजूद आपको पता नहीं किसका एजुकेशन कितना है, कौन क्या पढ़ा हुआ है, वो नहीं मालूम होने के बावजूद भी आपने ये सब ग्रुप को इकट्ठा करके जो होमोजीनियस नॉलेज दिया है, और सर ये 18,000 में आपने इतनी बड़ी चीज दी है जो समझ गया स्टॉक मार्केट का, तो ये सर लाखों करोड़ की चीज है अगर इस पे क्या अगर बात, ठीक तरीके से हमने अगर ट्रेड किया तो। ये सर थैंक यू। इतना सस्ते में कहीं नहीं मिलता है सर। मैं तो बॉम्बे में हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े चार्ट भी है मेरे पास में, लेकिन सर ये जो स्ट्रेटेजी आपने बताई है ना सर, ये माइंड ब्लोइंग है, और सर ऐसा कोई नहीं देता है सर ये आपका तो। और जो आपकी जो लैंग्वेज है सर, वो इतनी लैंग्वेज अपनी घर के जैसी लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई तो एकदम जार्गन ऑफ वर्ड्स जो यूज करते हैं ना बहुत सारे लोग जी इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें करके पढ़ाते हैं, जार्गन ऑफ वर्ड यूज करते हैं। आपने इतने सिंपल सिंपल नाम ले दिए स्ट्रेटेजी तो ये सर एकदम बोले तो ध्यान में रहता। वो आपने भी घर का जो बताया कि मम्मी किसने मारा फटका, फिर पापा के पास में गया पापा से, सर ये क्या है सर, ये इट इज अ मैजिक आपके थैंक बोलने में, जो क्या बोलते सर एक स्वीटनेस जो है ना वो, और जो एक ऐसा पल लगता है कि अपने घर में कोई गपशप मार रहा है और बस उसमें से। तो ये सर ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रेनिंग है सर। मैं तो यू। काफी जगह पे ट्रेडिंग किया, अभी भूल भी गया हूँ बहुत सारा, लेकिन सर ये आपका पूरा मैंने वो वर्ड लिख के रखा है सर। जो भी आपने ऐसे कॉमन जो अपने हिंदी के वर्ड बोले ना, कुछ ऐसी कहावतें मैंने लिख के रखी है क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू और सर हेमलाल बोले तो जी। अभी मैं बहुत बहुत सारा जानकार हूँ इसमें था, लेकिन सर ये अभी तक मेरे को पता नहीं था, मैंने बहुत सारा पैसा बिगाड़ा है सर, ये बड़े बड़े जो अब मेरा क्लास के चार्ट ये बाद चार्ट वो सर, करके, हेमलाल सर, अब लेकिन मेरा अभी क्लास, लो हेमंत सर, जो मैंने अपने आप से अब कमिटमेंट किया था क्लास से पहले, मेरा क्लास लेने के बाद किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फुलफिल हो रहा है सर, मिल रही है वो चीज़। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक नहीं, यू। जो आपने दिया है ना सर वो अनुभव आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और ये कोई शेयर नहीं करता है सर। आपको करोड़ रुपया भी देंगे ना, नोबडी विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन सर, व्हाट एवर यू आर गिविंग ऑन यूट्यूब या टेलीग्राम में आप देते हो सर, इतना इतना मत दो सर, हमको तो ऐसा लगता है कि नजर लग जाएगी सर आपको पे। अरे नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। सर। पूरा है किसके मन में क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी कैच कर लेता हूँ। और होमवर्क की वजह से सर आपका हो गया। जी सर बताएं। सर ऑप्शन स्ट्रेटजी देने वाले थे अपने, दे तो दी सर, हरामी वाली जो प्रेग्नेंट लेडी वाली दे तो दी आपको, है ना। यस सर, कोई कुछ कहना चाह रहा था सर, मैं इतना ज्यादा टाइम ले गया, आई एम सो सॉरी, बट सर मैं कहना, मैं बोलूं सर, जी जी सर, मैं बोलूं सर, जी सर, मेरा कोई मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ का शो है, बोल, आई एम सॉरी, गो अहेड, कोई बोल रहा था भाई बीच में। हां मैं बोल रहा था कि सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोई भी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई डायरेक्ट 7 स्टार रेस्टोरेंट में जाए तो उसको उसका उसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसा यही कह रहा हूँ कि कोई हैरी सर के क्लास के पहले किसी ने, सभी ने कोई बेसिक क्लास करना चाहिए तो समझ में आएगा कि हैरी सर का जो क्लास है वो एक्चुअली 7 स्टार है, क्योंकि उसमें फिर ढाबे और 7 स्टार में फर्क ही नहीं पता लगेगा जब तक वो करेगा नहीं। करेक्ट, यही कहना चाहता है, देयर ह्यूज डिफरेंस। आपको क्या लगा, आपको कैसा लगा ये बताओ। मुझे तो 7 स्टार, मैं बहुत फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे बहुत लोगों को, ये कर रहा हूँ सीखने के लिए। कम से कम लेकिन कितने जो आपने, यूट्यूबर्स का फॉलो कर रहे हो मार्केट में? मैं दो ही, दो दो जन की कर रहा हूँ, दो दो और लोग, आप तीसरे हो फाइनल। ओके ओके, फैंटास्टिक, चलो थैंक यू सो मच सर। इसके पहले मैं छोटे मोटे किए थे लेकिन बोल मेंशन करने लायक भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मेरे को लगे दो जन डिगर्स है, लेकिन जो आपसे मिले तो आपका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, आप हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर हो, बहुत अलग ही हो। अरे वाह क्या बात है, पावरफुल, थैंक यू सो मच। सीरियस, हम ना मैं बढ़ाने नहीं कर रहा, इसके लिए मैं बोल रहा हूं 7 स्टार भी नहीं बोला मैंने, 7 स्टार बोला। थैंक यू फॉर रेटिंग सर, थैंक यू, दिस इज पावरफुल फीडबैक फॉर मी। जी सोहेब सर, हाँ कल्पेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास लिया है मार्केट में,
मैं पहले ए, थोड़ा अभी ये गिरा ये सब हुआ ना, तो मुझे लगा कि मार्केट में मुझे पैसा डालना है। और एक मेरे फ्रेंड ने मुझे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया और उसमें ऐड करवाया, तो मैंने टेलीग्राम में आपको देख के फिर यूट्यूब में आपको देखा, और ये दो चीज देख के मुझे लगा कि नहीं कुछ है जो शेयर बाजार में सीखना है, शेयर मार्केट में, तो इसका ये जो ट्रेनिंग है इधर मैं ले लूंगा तो मेरा काम बन गया। और मैंने शेयर बाजार में इतना कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं, और मैं फ्रेशर हूँ, और पहले अटेम्प्ट में सर आपका क्लास मुझे मिल गया। वैसे मेरे को तो जीवन में ऐसा लग ही रहा है कि मुझे जो जो टाइम में जो चीज मिल रही है वो सही चीज ही मिल रही है। मेरे मेरे जीवन में जो कुछ आ रहा है ना वो सही होगा तो ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो शेयर बाजार में मैंने एंट्री ली और आप मिल गए सर, तो मेरे लिए शेयर बाजार में सर आपकी एंट्री मुझे इतनी पॉजिटिव लग रही है ना कि क्या बोलूं सर। और दूसरी चीज कि मार्केट ऐसे टाइम में अभी है कि जो मार्केट गिर रही है, मुझे इन्वेस्टिंग भी करना है ना, तो मैंने क्या किया कि 8,500 में मार्केट आई गिर के, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का। फिर गिर के सर एक मिनट सर मैं तारीख के साथ बता देता हूँ, 2.25 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट भी कर चुका हूँ अभी ये मार्केट गिरी उसमें, और सब गिरावट में मैंने लास्ट जो चौथी अटेम्प्ट मैंने 7,700 निफ्टी आई उसी टाइम मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया। वैसे गिरती हुई मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करते करते यहाँ पहुंचा हूँ, और गिरेगा तो और मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इसी टाइम में मुझे आप मिल गए सर। तो मेरे जीवन में सर मैं बोलू ना कि सब चीजें एक ही साथ में आई है, इन्वेस्टमेंट का टाइम भी सही आया है, और सीखने के लिए सर आप आए है, और सीखने का टाइम के लिए लॉकडाउन आया है, देखो ना सब पूरी पूरी जगह से मुझे सही आ रहा है सब। कर रहा था तो आपकी प्योर बैंक निफ्टी सीपीआर की स्ट्रेटजी थी पहले वाली, तो उसमें मैंने 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो आप बताओ मुझे 3,000 में मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 9,000। एक महीने में 80,000 मैंने कमाया था। 3,000 के इन्वेस्टमेंट में एक महीने में 80,000? हाँ 80,000। कैसे? आपको मैंने उस टाइम आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, 20,000 के मुझे ये मिला था ना, तो इस वक्त लोअर सर्किट लग गए थे ना। तो उस टाइम क्या बात है, पावरफुल। और आप लाइव कॉल भी दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये गुरु अपने गुरु बनने लायक है ये। अच्छा, तो मैंने उसी दिन ही गुरु बना दिया। मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था कि वर्कशॉप का फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे आ गए है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। यस यस सर, मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए गिरीश जी। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट पर आपके इंफॉर्मेशन के बताऊं, 2008 में 21,000 से जो 8,000 आया था, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। हाँ अरे वाह। और तो उस टाइम आप बोलते हैं ना, जब आंधी आती सब खबर लेके जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। उसके बाद स्लोली से म्यूचुअल फंड में डालना ऐसा मैंने सोचा था, तो लकीली अनलकीली ये लॉकडाउन हुआ, और मतलब उस टाइम ऐसा हुआ कि जो पुरानी जो इच्छाएं थी वो पूरी जाग गई। ओके। तो और आपकी स्ट्रेटजी देखने के बाद आई पैशनेट हो गया, इनफैक्ट जो पुराने जख्म थे पूरे हरे हो गए, हम पूरा कि उसको हम मतलब उसकी जो मन की मुराद पूरी हम कर सकते हैं, भरपाई जो लॉस किया वो हो जाएगी पूरा। कम से कम वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, एंड आई ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल्सो, डेफिनेटली आपका ये चीज पूरा होगा, कम्प्लीट होगा। आपके लिए एक और फीडबैक है सर जी, जो क्लासेस होती है जो भी मतलब बाहर होती है जो भी होती है, हाँ। वो ओनली बुकिश
जी पूरा का पूरा बुक्स, मतलब ऐसा होता है बुकिंग वैसा होता है, समझ में भी आता नहीं है। और आपका क्लास का जो सबसे बड़ा प्लस है ना, वो आपका होमवर्क। होमवर्क में जितना लड़का जो स्टूडेंट सीखता है उससे ज्यादा कहीं सीखता नहीं है, क्योंकि वो खुद देखता है। और वो खुद जब देखता है और आप उसको खुद पार्ट बनाने के बोलते हैं, आई थिंक दैट इज द गेम चेंजर फॉर योर क्लास। और सबके लिए मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट भी यही गेम चेंजर है, जो खुद जो ये बनाता ना चार्ट बनाता है ना। और मैं भी खुद बनाया, इनफैक्ट मैं भी बहुत बनाया, बट इनिशियल बहुत तकलीफ हुआ हमको। आई वाज नॉट टू बट आपके इतना पेजेस तो है नहीं मेरे पास, बट इवन दो जस्ट आई ट्राई टू कैच वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी इवन दो यही हमको आपका क्लास का और दूसरे क्लास का हमको डिफरेंस लगा। और आई थिंक आपका जो किसी बंदे ने बताया अभी, आपका जो बोली है ना, आई थिंक इट इज आपके मुंह में है ना, मतलब घी शक्कर रहता है हमेशा, क्या मीठी रहती है। और जब कड़वी होती है ना, जब कड़वी होती है आई थिंक इट्स वंडरफुल, मतलब बातों के बीच बातों भी नहीं मानते, उस टाइम लगता है जब ऊपर जा रहे हैं तो आप ठोक देते साथ, मतलब कभी नहीं करते आप। आई थिंक यू आर बहुत, यू आर वेरी गुड मेंटर सर, बहुत थैंक यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर मेरे हैदराबाद आने का मौका मिला सर, आई जस्ट डेफिनेटली मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं आपको मिलना चाहूंगा सर, इफ यू हैव परमिट आई जस्ट डेफिनेटली कम टू मीट यू सर। Definitely, most welcome sir, anytime. Thank you. Time दिया सर, और मैं आगे आपको मिलना चाहूंगा जल्दी से जल्दी। Definitely गिरी सर। और अकाउंट के लिए, अकाउंट खोलना था आपके साथ, अगर तुम ICICI में कर रहा था सर डायरेक्ट, तो इसका ये भी ज्यादा भी है, तो ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली बात करूंगा। प्लीज ओपन अकाउंट विद अस। इन गुड फॉर्मेलिटीज है तुमको बता दीजिए, तो फिर जैसे ईमेल लेकर एक हिसाब से एड्रेस में आपको इमीडिएट ओपन कर पाऊंगा। डेफिनेटली उसके बाद आपका लेता हूँ। जैसे आप सिखाते हो ना, हाँ, उसे सुन के ऐसा लगा कि मन को बहुत शांति मिलती है, जैसे कभी नहीं लगता कि आप सर हो, हम आपसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं। मैंने जितने भी दिन आपसे ऑब्जर्व किया है ना, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, आपके फ्रेंड से सुन रही हूँ कुछ ना कुछ, कभी ऐसा लगे आप सर हो। थैंक यू, थैंक यू। आपका पेशेंस है ना बहुत ही अच्छा है सर, आप इतने पेशेंस रखे, सबको एक एक साथ मिलाते हो और सब इतना टीच करते हो, हमारा होमवर्क वो तो बहुत स्ट्रेंथ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, दिस इज पावरफुल। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, मुझे करते सर मैं सबसे बात कर रही हूँ, फिर सर से मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, फ्रेंड से सीख रही हूँ मैं, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ यू सर। और आपकी बोली जो आपने जो बुरी आत्मा आत्मा जो भी आपने बताया ना सर, फ्लोर हो टाइल्स हो, वो इतना मेमोरेबल है कि हम हमेशा याद रख सकते हैं। सपोर्टर ऐसे सब भूल जाते हैं, लेकिन फ्लोर हाँ याद रहता है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही प्यारा है सर वो। मैम बस मुझे मालूम है आप लोग बस ब्लेसिंग करिए, और प्लीज अपने प्रेम में सबके लिए जोड़ प्रार्थना करती हो ना, पापा के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए। मैम मेरे लिए मेरा नाम और जोड़ लेना अपने प्रेयर्स में, बस इतना ही चाहिए। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, आप तो पहले होते हो। थैंक यू मैम। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर। या मैम प्लीज बोलिए, मैम प्लीज। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में ना बिगनर हूँ, और अब इतने अच्छे तरीके से समझा ये सबको, तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ मुझसे भी कुछ हो पाएगा अभी। और ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने आपके बारे में बताया था, उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत हाँ बोल के वो सीखने के लिए आगे आई। अब क्लास जब खत्म हो रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ सही चीज वो बोले थे मुझे, इस लाइन पे आना है, और आपसे जो भी कुछ सीख पाई हूँ तो उसको देख के लग रहा है कि हाँ आगे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जितना भी आप स्टडी दी सब कुछ दिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ पाया। और जो भी आप होमवर्क देने के लिए बोल रहे थे उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे आया। अभी मेरे हस्बैंड भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। गुड इवनिंग सर। नितेश जी प्लीज। मैंने आपका 3 महीने पहले आपका किंग रिसर्च का वीडियो देखा, देन आई बिकम अ वेरी गुड डायट फैन ऑफ योर्स। ऑनेस्टली बाकी लोग भी बोलते हैं
जी बट वो जो स्ट्रेटेजी काफी जनरिक स्ट्रेटेजी है, वो ओपन रेंज ब्रेकआउट ये करो वो सब कुछ बोलता है, बट आपकी जो है दैट्स डिफरेंट। तो जब आपका ट्रेनिंग का आया था इसमें टेलीग्राम में, बोला यार इनको करना तो है, मैं चलो सर से ही करवाते हैं। तो जब भी क्लास करते थे मैं उनके पास ही बैठता था, होमवर्क में उनके साथ भी बैठा था। सर मैंने जब अपने स्टार्ट किया था ना अपने 2-3 साल पहले, मेरे मैंने जिनसे बॉम्बे के बंदे हैं, नाम नहीं बोलूंगा, आईआईटी पास आउट है, काफी अच्छा नाम है, बट यू नो इन जो ट्रेनिंग आप बैठ के पढ़ाते हो सर, मुझे ये सीडी में आया था कि भाई इनिशियल लेवल के जो है ना ये 2G ये सब आप खुद पढ़ लो। तो मैं इनको ये बता रहा था कि ये जो चीजें हम बताते हैं ना, बताने और सुनने में जो होता है वो सीडी सुनने में इफेक्ट नहीं रहता। सही बात है। तो काफी इम्प्रेसिव ट्रेनिंग था। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी। मैम जी मैम पाटिल। हाँ सर पाटिल मैम बोलिए। सॉरी संध्या मैम मैं आपसे लेता हूँ बात कर, 2 मिनट दीजिए। हाँ सर यस सर, मेरे को भी मालूम नहीं था सर इतना। अच्छा इसके बारे में मैं भी फ्लेयर हूँ। ओके जस्ट आई वाज जस्ट फॉलोइंग योर यूट्यूब एंड ऑल। खाली क्रीम ग्रेड कैंडल इतना ही मालूम था। जस्ट आई वेंट सर्चिंग एंड ऑल यूट्यूब पे थोड़ा सा ये करके नॉलेज ग्रास्प किया था, इतना ही सर जी। सो योर टीचिंग इज सो नाइस एंड सो गुड एग्जाम्पल्स यू आर गिविंग नो, सडनली वी कैन अंडरस्टैंड सर। एंड चार्ज बोलते है ये तो मालूम ही नहीं था सर, ये अभी मालूम हो गया सर। एंड कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया। जस्ट आई एम अ इन्वेस्टर सर, नॉट मच लिटिल, और फियर खत्म हो गया सर। और आपके जो स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है एंड ऑल वी रिमेम्बर। सबसे बेस्ट कौन सी लगी? टेक्नोलॉजी एंड ऑल एंड साइकोलॉजी एंड SRM वेरी ग्रेट सर। Thank you. And really, I don't have words to explain. And very, it's so nice to have such a good Guruji in our lives, sir. Ma'am, बहुत बड़ी बात बोल गए मैं. Thank you so much. Thank sir, you. I'm a teacher. I'm even conducting the tuitions. And I have some 10 years experience, sir. Oh, wow. But आपके जैसे इतना अच्छा teacher मिल गया. So I'm very glad to meet such a teacher like you, sir. Thank you ma'am. Thank you thank so you much. Sir. Thank and you. Wonderful. Thanks. Is a little word. Jee. But still thanks sir. Thank you. Good night sir. Good night ma'am. Good night. Sandhya ma'am. Yes. हाँ sir. Hello. जी संध्या. मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ. Please. मैंने भी first time किया online courses. हम्म. तो अच्छा लगा आपका course. जो छोटे-छोटे tips थे वो बहुत impressive थे आपके. ओके okay. और आपका जो क्लास है पूरा वो मेरी बेटी भी करती है। अरे वाह। 1 साल की है अभी। कितने साल की है? वो 1.5 साल की है अभी। अच्छा। 1.5 ओके ओके। पूरा क्लास खत्म होने तक वो बैठती है मेरे साथ। वंडरफुल। वो भी करती है। और आपके जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बूम बूम वो भी बूम बूम करती है। उसको भी अच्छा लगता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी सर। सर जो आप होमवर्क वगैरह करवाते हो उससे जो प्रीवियस डे आप स्ट्रेटजी बना सिखाते हो वो स्ट्रांग हो जाती है, मतलब उसका अपना रिवीजन वगैरह फुल फ्लेज हो जाता है। जी जी। तो सर सबसे पावरफुल क्या चीज लगी हमारे अंदर, क्या लेके जा रहे हो मेरे से? आप सर SRM स्ट्रेटजी और जो आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बराबर है। मेन मेन जो है वो SRM स्ट्रेटजी जिसमें हमको सब अपना रिस्क कितना है, क्या क्या करना है, पोजीशनिंग कैसे लेना है, कैसे लेना है। और फिलहाल तो मैं अभी एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, वो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी में एक के बाद सेकंड अप्लाई करूंगा, सेकंड के बाद थर्ड अप्लाई करूंगा, वो हिसाब से। यस वन बाय वन जाना, स्टेप बाय स्टेप जाना, जरूरी नहीं कि बगल वाला 2 स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है और आप एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, राइट? थैंक यू सो मच सर। सर आपने जो सर आपने प्यार से किया बहुत मेहनत की आपने। कन्हैया जी बोलिए। वास्तव में सर आपके लिए तारीफ सर, सुपर। थैंक यू कन्हैया जी। थैंक यू सर। आपने एंड वेट पेशेंटली फॉर द लास्ट I think it will be good for all others to hear also, because I am also trading from quite a long time. But
is I'm very a great kind of a person. I don't know. But trading mein kaafi aggressive hai. I think it is the worst thing to do without having a proper knowledge. So I literally joined this class to know where I'm doing mistake. Okay. क्योंकि okay. 50-60 अंदर चले गया होगा मेरा. ठीक है, उससे ज्यादा ही गया. अरे बाप रे. So I really wanted to know where I'm really going wrong from last maybe 10 years or so. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज विच वॉज देयर वॉज इट कि ऑपरेटर का चार्ट पे कैसे ढूंढना है. आई वाज रियली सर्चिंग लॉट ऑफ आई वाज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट लॉट ऑफ पीपल कि भाई ये ऑपरेटर का टेक्निक कहाँ से दिखेगा, कैसे पता लगेगा. तो आई थिंक दैट वॉज माई मेन इंटेंशन ज्वाइन दिस क्लासेस. वैभव जी मिला? एंड बिल्कुल मिला, 100% मिला. एंड अनदर थिंग इज द पैशन विद विच यू आर टीचिंग. ऑफकोर्स थोड़ा सा लैंग्वेज का ऊपर नीचे होता होगा, लोगों को बुरा लगता होगा, बट इट इज इन योर कंट्रोल रादर देन आवर कंट्रोल. बट आई फील कि जो पैशन आप रात को दो दो बजे से पढ़ा रहे हो, आई मीन ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो अहेड ऑफ टाइम, ऑस्ट्रेलिया वाले के थोड़ा पीछे है. यस, वी आर स्टिल trying to see what best can be done. So be aggressive jahan jana, I mean passion at this hour of the time is really appreciated. And definitely the concepts that you have shown behind the scenes, what is happening other than the news and TV channels and all that, I think that is something which is an eye opener. I always believed ki TV wale jhoot bolte hai, but now it is applicable to see it on the chart. So that's something very great. थैंक यू. तो आप भी देखते हैं यहाँ से एसोसिएशन कैसे होगा. आपने बोला कि आप मिलोगे नहीं, बट पता नहीं आपको हम पकड़ के कैसे रखे. मे बी देयर इज अ ट्रिक. सर, दिस इज आनंद. आनंद आई इवन आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स. आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एडवांस टेक्निकल एजुकेशन दैट यू हैव गिवन. एंड द मोमेंट द फर्स्ट डे व्हेन यू सेड यू विल स्टार्ट यू नो टेक अस थ्रू द 500 चार्ट्स, I felt sick. What? 500 charts we have to see? Then the moment you started telling us the internal things or the concepts of the chart, then I felt, yes, this is the study that we wanted to do it. And yes, you have those charts learning was the eye-opener in terms of the content of the stock market that everyone has to understand and learn. And I really appreciate the patience that you have shown taking us through all the charts every day. Though sometimes it felt like monotonous for us to hear, but you never lost the energy to teach us every point of the chart, and every day are different charts. So, and people keep doing, of course, 110 people, there will be people who may not catch up because they don't have prior stock market knowledge. So people usually should do a basic education first to join your thing to catch up your speed of education. So that's one thing probably students you may advise for your future students. And I'm love with the kind of education that you have given, and I'm excited that you have a long life holding hand holding with us, and the group that you're going to create after our feedback. I'm really looking forward for a longer term relationship. And yes, you are the guru and we are the shishya. Thank you so much, Mr. Hari. Appreciate thank you your so patience much. And dedication. Thank you so much, Anand sir. You are accepting me as a guru. This is very wonderful. Sir, आप really मैं guru हो क्योंकि dozy है, candlestick है, ये सारा सब कुछ बता सकते हैं. लेकिन उसका actually कहाँ use करना है ना, वो आपने हमें बताया class के अंदर, और हमने उसको back test जब किया तब हमें पता लगा कि ये actual में यहाँ पे work करता है. ये कोई नहीं सिखा सकता है. तो आप इसलिए गुरुजी हो, और इसलिए कि आपने हर एक स्टेज को हमारे को रिवीजन कर 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 के हमारे दिमाग में ऐसा लगा दिया कि जब भी वो स्टेज जहां भी आएगी हम उससे अप्लाई करेंगे. पावरफुल, थैंक यू, वेरी नाइस. या प्लीज सर, दिस इज रमना. जी सर, रमनन सर प्लीज बोलिए. टेल मी सर. सर, आउट ऑफ ऑल दीज स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, व्हाट आई मोस्ट लाइक Energy,
थैंक यू दिस इज पावरफुल फीडबैक फॉर मी थैंक यू सर या सर सुनील जी बोलिए जी सुनील जी बोलिए सर मैं भी बोलना चाह रहा हूँ प्लीज बोलिए मैं आपकी पहली बार क्लास ज्वाइन किया था सर और कहीं ज्वाइन नहीं किया मैं मुझे ट्रैक करते हुए 2 महीने हो गए वही बताया सर जो बोल रहे थे मेरे मित्र हैं वही बताए थे मुझे तो अभी तक तो मैंने अकाउंट खुलवाया नहीं उन्हीं के साथ है वो ट्रेड कर रहे हैं सर तो आप तो सर इतना सोचते हैं ये तो आप दिल से ही पढ़ाते हैं सर दिमाग पढ़ाते हैं अगर दिमाग से ही पढ़ाते हैं सर 12 बजे आप निकल नहीं सकते पढ़ाते हैं क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं चलता है जी नहीं सर बहुत 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 पावरफुल चीज है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सुनील जी थैंक यू वंडरफुल फीडबैक जी सर चक्रवर्ती सर फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग यस सर मेरा आई एम वर्किंग इन यूएस सो आई सी यस टाइम इज वर्किंग टाइम सो मीटिंग्स आर नाउ इज देयर ओके सो आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग योर लेक्चर सो यूजुअली आई ट्रेड इन यूएस मार्केट ओनली एंड आई लॉस्ट नियरली इफ आई कन्वर्ट टू इंडियन रुपीस आई लॉस्ट nearly 40 lakhs. Oh, okay. Yes. Yeah, I used to study books and I attend a few US trainings here and I usually play in options. So that's how I lost most of the money. Okay. Then one day I came, while browsing YouTube, I saw your video. Since then I've been following you. It's been like 6 to 7 months I've been following you. Mm-hmm. But I did not get time to attend your class. Wow. So since it is lockdown, I'm working from home, so now I got some time. Otherwise, at the office, I'll not be able to attend your class because your class starts at 2. So how did you find our class, sir? Did you getting something? What exactly? Did you find your mistakes? What exactly did you in the past? Yes. Because I was following all indicator signals. Okay. Now I have a connection with you. Now I have another indicator views, false signals. So now you believe in price action pure. Right. Very nice, sir. Okay. Very nice. Your classes are so amazing. It's also eye-opener for me as well. Thank you. So let's see how it works in the US market. I'll try to apply all the strategies you taught. I'll try to apply in the US market and let's see. Thank you, Sharma, sir. I'll post my trainings with you. Thank you, Sharma, sir. जी सर बोलिए मोहम्मद अली सर बोलिए रखते हैं 1 बजे भी हो गए फिर फटाफट खत्म करेंगे हाँ थैंक यू सो मच अरे नहीं इस मार्केट में जो हम लोग प्रोफेशनल के नाम से काफी प्रोफेशनल और इसके अलावा जो इश्यूज मेरे साथ है जिसकी वजह से आप दूसरे बात है कि मैं इस मार्केट में तो नया था और मैंने मैं यूट्यूब के थ्रू जो है मार्केट को देख रहा था तो उसमें जो है अब तक जो फुटेज बेस या जो भी चीज था वो मैं वही जाता था इस चीज में सिर्फ एक चीज मेरे साथ दिक्कत ये हुई है कि इतने सारे स्ट्रेटेजीज है जिसको मैंने नोट डाउन किया पता नहीं उसमें से किसको जो है प्रॉपर फॉलो करके चलना है क्योंकि बहुत सारे आपने दे दिया है उस चीज को लेकर के परेशानी है लेकिन बाकी इतना जरूर बोलूंगा कि ऊपर वाला से दुआ आपसे कर रहा है ताकि कम से कम मेरे जैसे छोटे लोगों को मौका मिल जाता और छोटे लोगों को छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ करने का मौका मिल जाता है ये बहुत बड़ी बात है नहीं अली सर कोई छोटा बड़ा नहीं है दिल होना चाहिए बस अगर दिल है ना बड़ा उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती है ना तो इंसान अगर अच्छा है थैंक यू अली सर थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने ट्रस्ट किया तब आप मेरे साथ जुड़े तब आपको कोई चीज़ डिलीवर कर पाया यही बहुत बड़ी चीज़ थी थैंक यू सर थैंक यू सो मच अली जी चलिए हाँ हाँ मितेश जी बोलिए हाँ थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनलाइन क्लास कि मैंने अभी तक आई वाज नेवर यूज्ड टू ट्रेड इन मार्केट इन्वेस्ट करता था लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई टिप आया तो मैं बाय करता था ऐसा इंट्राडे या इतना कुछ कभी नहीं करता था और ना ही कैंडलस्टिक्स कभी मुझे समझ आया है okay. तो आपकी क्लास से ये मुझे पता चला है कि कैसे कैंडलस्टिक्स देखना है Very nice. I guess मैंने एक मैं पहले बहुत दूसरी एक साइट को रेफर करता था जिसके थ्रू अभी मुझे आपका किंग रिसर्च का लिंक मिला है okay.
फॉरगेट द नेम, उसमें भी एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक पर्सन का नेम था उस साइड पे. उसके लेवल्स पर आपके जो भी थिंग रिसर्च पे यूट्यूब पे जो वीडियोस है उसके थ्रू मैंने लिंक लगा के आपको फॉलो करना स्टार्ट किया है और ये लेवल्स काफी अच्छे लग रहे हैं टू फॉलो. क्या बात है, क्या बात है. एंड आपकी ये पॉजिटिव जो टच है टूवर्ड्स द मार्केट, क्योंकि मार्केट को गिरता हुआ या ऊपर चढ़ता हुआ देख के टेंशन आ जाता है या मॉरल डाउन हो जा रहा है जैसे इतना मार्केट गिरा है, बट योर पॉजिटिव टच टू इट, इट्स अ ग्रेट, इट्स वेरी ग्रेट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. पावरफुल फीडबैक फ्रॉम योर साइड. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video.